ब्रेक से आगे हैं अभी अभी हम वापस, तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मोहम्मद हमजा तारिक। क्या करते हो? मैं बीएस मैनेजमेंट साइंसेस कर रहा हूँ। क्या बनना चाहते हो? मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। एक अच्छा। किस चीज़ का बिजनेस सोचा है? अभी स्टिल सोच रहा हूँ, स्टडी के बाद इंशाल्लाह। क्या लगता है, क्या जरूरत है, कौन सा बिजनेस हो तो चलेगा? आई थिंक आई विल कंटिन्यू विद माई फैमिली बिजनेस। क्या बिजनेस है? क्रॉकरी वगैरह का और डिनर सेट्स वगैरह। अच्छा, एक क्रॉकरी का, एक कंस्ट्रक्शन का और एक खाने का बिजनेस हमेशा काम आता है, क्योंकि ना घर बने रुकेंगे ना लोग खाना खाना छोड़ेंगे, तो ये चीज़ तो वाकई चलेगी। चलो, वो कौन सा खजाना है जिसको जितना मर्जी लुटाओ कभी खत्म नहीं होगा? इल्म का खजाना। वाह, क्लैपिंग करो अपने लिए। वेरी नाइस। कैसी हो पढ़ाई में? मैं अच्छा हूँ, बट इंटेलिजेंट ज्यादा हूँ, पढ़ता कम हूँ। ये क्या बात हुई? मतलब के पढ़ता कम हूँ, वैसे चीजों पास हो जाती है, समझ जल्दी आ जाती है। कम पढ़ते हो मगर फिर भी पास हो जाते? जैसे कि सुबह मेरा पेपर है, मैं यहाँ फिर। कितने परसेंट मार्क्स ले लेते हैं आप? मेरे 3.6 तक आ जाता जी। फिर ठीक है, फिर घूमो, फिर मूवी भी देख के जाना। क्या सुनाओगे? मैं एक शेर सुना दूंगा गाने का, इंशा जी उठो अब कुछ करो इस शहर में जी का गाने का, मुझे इतना सा आता है। ये किसका है? ये इंशा का ही है। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गए। थैंक यू। वेलकम जी। बच्चा का, इस बच्चे का कल पेपर है और वो अभी पार्टी शार्टी कर रहा है, मगर उसका पढ़ाई में अच्छा है, तो मैंने कहा चलो फिर तुम मूवी भी देख के जाना एक दफ़ा। अब उसके अंदर ये टैलेंट है तो उसको सजवाना चाहिए, किसी और से बात करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? कामरान। क्या करते हो? स्टडी करता हूँ। पढ़ते हो? एफए करते हैं। ओके, क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं, बस एक मार्केटिंग के लिहाज से अच्छा मिल गया, क्योंकि मैं मार्केटिंग भी साथ साथ कर रहा हूँ। ओके, वो क्या चीज़ है जो कभी नहीं रुकती और रुक जाए तो चढ़ती नहीं है? जिंदगी। कच्ची डोरियों 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 में मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दुखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मुठी रुस के रुसा के, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए, शुक्रिया जी। इन्होंने एक अच्छा सा गाना सुनाया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। किससे और से बात कर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रजा अंसारी। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं आईकॉम। क्या बनना चाहते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। वाओ, वेरी नाइस। चलो जी, सवाल कर जी। गौर से सुनना, काफी लंबा सवाल है। ठीक है। एक आदमी था, उसके घर में एक चौकीदार था। चौकीदार ने मालिक को बताया कि आज रात ना मैं सो रहा था तो मैंने ख्वाब में देखा कि जिस फ्लाइट से आप जा रहे हैं ना वो जहाज क्रैश हो गया और आप मर गए। उसने कहा अच्छा, उससे अपनी वो कहता मैं नहीं जाऊंगा। वो नहीं गया, वो शाम को टीवी देख रहा था तो उसी जहाज के क्रैश होने की खबर आ गई। वो बड़ा हैरान हुआ और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं बच गया हूँ, और जो फौत हो गए उनके लिए अफसोस किया और अपने उसको बुलाया और उसको खूब सारे पैसे दे के, इनाम दे के अप्रिशिएट किया और उसको नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से क्यों निकाला? कि जैसे वो जो बोलेगा यानी कि वो हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है, ऐसे लोग तो लोग हायर करते हैं कि इसके पास इतना दिमाग है या अल्लाह ने इसको कोई सलाहियत दी है। मैंने बड़ी देर में सवाल बताया, कोशिश करो। उसे क्यों निकाला? क्यों निकाला? इनाम देना पड़ गया उसे।
खुद ही सोचो ना, उसने उसकी जान बचाई, उल्टा उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। मैं ये समझ आ रही। चलो क्या सुनाओगे? मैं गाना सुना देता हूँ। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। वाओ, वेरी नाइस। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गया। थैंक यू। वेलकम जी। इन्होंने बहुत अच्छा गाना सुनाया और दोस्ती पे था, यकीनन इनके दोस्त होंगे जिनके लिए इन्होंने गाना गाया। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बिनिश। आपका नाम? शहराज। बेबी का नाम? फजर। क्या करते हैं? मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। चले मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है, वो क्या चीज़ है जो चलती रहती है, कभी नहीं रुकती, और अगर रुक जाए तो कभी दोबारा नहीं चलती? वक्त। गाड़ियाँ बड़ी ख़राब होती दोबारा चल जाता है, और जिसका रुकता है उसका चलता नहीं। तो वही तो बोला, वक्त ही है जो चलता रहता है। बड़े मुश्किल से सवाल है थोड़ा सा, ऐसे तो कुछ और पूछो इसके अलावा कुछ। बच्चे से रिलेटेड सवाल कर लेती हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। नहीं ना, ना अगर 206 हो तो बच्चा तो हर एंगल में गिरता है। इंसान उस बड़ा बंदा उस एंगल में गिरे तो हड्डी टूट जाए, पर बच्चे की नहीं कुछ होता, बच्चा तो हर वक्त गिरता है। चले मैं बच्चे के लिहाज से इसलिए मैं जवाब बता देती हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म में 302 हड्डियाँ होती हैं, ताकि वो जिस भी एंगल में गिरे उसे चोट ना लगे, और जब वो बड़ा होता रहता है तो वो हड्डियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। चलें क्या सुनाएंगे? मैं पब्लिक मैसेज देना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा पाकिस्तान की सारी आवाम से इस वक्त मैसेज है सबके लिए कि इमरान खान साहब ने जो डैम फंड्स कायम किए हुए हैं उस हवाले से दिल खोल कर अतिया कीजिए, ठीक है। और इस मुल्क के अंदर पानी की किल्लत जो है, जो पाकिस्तान के अंदर एक वक्त आ सकता है कि पानी ख़त्म हो जाएगा, उस चीज़ से बचने के लिए अपने आप को पहले से सिक्योर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, बिल्कुल। और आप सुनाएंगे? लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू जी। मियाँ बीवी थे, साथ छोटा सा बच्चा भी था उनके पास, तो इस वजह से मैंने जो है ये सवाल भी किया, और मैं इस पर इंफॉर्मेशन भी कोट करना चाहूँगी। अल्लाह पाक ने हमें बहुत ही नेमतों से नवाजा है, इंसान को सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कोई सवाल नहीं करना चाहिए जो अल्लाह ने उसको दे दिया है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म में 302-306 इतनी तकरीबन हड्डियाँ होती हैं, ताकि वो किस भी, अक्सर आपने देखा होगा बच्चा क्रॉलिंग करता है, ऐसे वैसे उठता है गिरता है तो उसको चोट नहीं लगती, मगर बड़ा इंसान अगर सेम डायरेक्शन में गिरेगा तो उसकी हड्डी टूट जाएगी, पाँव की हड्डी मुड़ जाती है। मोस्टली ये जो सॉक्स के पास, पाँव में सॉक्स के पास जो हड्डी होती है, नीज के पास, वो ख़राब हो सकती है। तो ये जो बातें हैं ये इंसान को पता होनी चाहिए, और वक्त के साथ साथ वो हड्डियाँ कम हो जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। किससे और से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? दाऊद। क्या करते हो? मैं पढ़ भी रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ। गुड। चलो मुझे बताओ, मेरा आपसे सवाल है, वो क्या चीज़ है जिसे जितना मर्जी ठंडा कर लो वो हमेशा गर्म रहती है? जितना मर्जी ठंडा कर, चाहे आप उसे फ्रिज में रख लो वो गर्म ही रहेगा। खाने वाली चीज़? आइडिया नहीं। क्या सुनाओगे? गाना सुना रहा था। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, आशिक तेरा
भीड़ में खोया रहता है जाने जहाँ पूछो तो इतना कहता है then I've been so lonely. जी बहुत अच्छा गाना सुनाया इन्होंने और ये गाना वैसे भी जो है बड़ा सैड सा है सेंटी सा ये सॉन्ग है मुझे पसंद भी है ये सॉन्ग चले किसी और से पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपका नाम जहरान फहीम आपका नाम नाइन मरियम कौन सी क्लास में आप पढ़ती घर ही हूँ नहीं पढ़ती नहीं पढ़ती अभी छोटी हो छोटी है क्या उम्र है तीन साल अच्छा अभी तीन साल की माशाल्लाह हाइट बहुत लंबी है चले जी आप क्या करते हैं बेटा कौन सी क्लास में सेवन में सेवन आपकी भी माशाल्लाह सेवन की क्लास है हाइट बहुत लंबी है माशाल्लाह चले जी दो ही बच्चे हैं नहीं एक और है बेटा अभी है वो भी इधर ही है वो इनसे बड़ा है छोटा छोटा इनसे छोटा है चले जी मुझे बताएं घर में सबसे ज्यादा क्या इंटरेस्ट होता है क्या मजा करते हैं आप लोग घर में बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं सारा जो कोई कुछ शरारत बताएं जो आप कहेंगे यार ये बड़ी काम करती है क्या करती है ये इसकी शरारत ये है कि ये चीज़ें उठा के भाग जाती है और छुपा देती है क्या क्या छुपाती हो मेरा मोबाइल छुपा देती है अपनी मामा का मोबाइल छुपा देती है टैब छुपा देती है क्यों छुपाते हो भाइयों को नजर ना आए भाइयों को तो भाइयों को क्यों ना नजर आए ताकि वो गेम्स ना खेलें आपको टाइम दें हाँ जी वो वापस ले लेते हैं और इसका यही होता है कि मुझे टाइम दें सारे ये क्यों भाई क्यों गेम्स खेलते हो ये है वो मैं डर गई सामने का वालेकुम अस्सलाम नाम आपका मोहम्मद अफनान है क्लास आपकी फाइव फाइव बहन के साथ क्यों नहीं खेलते गेम क्यों खेलते रहते हो दिल करते हैं टैबलेट पे खेलते रहते हो वो यही शिकायत लगा रही है आप भी यही करते हैं आपके साथ नहीं खेलते नहीं नहीं खेलते ओह चलो इसकी इसके साथ इसकी बहना ही खेलेगी है ना चले सवाल करते हैं आपसे मुझे बताएं ट्यूसडे और थर्सडे के अलावा दो दिनों के नाम बताएं टी से ट्यूसडे और थर्सडे के अलावा टी से दो दिनों के नाम बताएं इंग्लिश में सैटरडे टी से शुरू होता है सैटरडे टी से तो कोई नहीं शुरू होता होते हैं दो हैं मैं आपको बता दूंगी अगर आपको नहीं आएंगे तो कोशिश करें होते हैं नहीं पता ट्यूसडे सॉरी बताया तो है वो मैंने ट्यूसडे एंड थर्सडे के अलावा चलो कोई नहीं क्या सुनाएंगे मैं शेर सुनाऊंगा तू शही है परवाज है काम तेरा तेरे सामने आसमां कई और भी हैं आप क्या शेर मेरा तो पब्लिक मैसेज यही है आवाम की तरफ से कि भाई जो है ना सब लोग मिल के पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है ना मेहनत करें और इसमें कंट्रीब्यूट करें अपना ताकि हमारा मुल्क जो है ना तरक्की करे और हम लोग जो है ना एक खुशहाल मुल्क की तरह जो है ना एक अच्छे शहरी की तरह यहाँ पे जो है ना ज़िंदगी बसर कर सकें आपको कोई पोएम आती है Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Our land. I just like it. आप लोगों के लिए थैंक यू बाय बाय बहुत ही प्यारी बच्ची थी पटर 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 बोली जा रही थी कहती बाबा आप क्या चुप करें अरे तुम्हें भूल गई तो बाबा एम ही चुप करें शोखी किसी और से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नाम आपका कामरान बेबी का नाम करीम कामरान माशाल्लाह क्या उम्र है इसकी ये एक साल की है सवाल करते हैं आपसे ठीक है मुझे बताएं आप कि वो क्या चीज़ है जिसे चाहे आप फ्रिज में रख दें वो हमेशा गर्म रहेगी खाने वाली चीज़ है फ्रिज में रख दें तो गर्म रहेगी चाहे फ्रिज में भी रख दें वो गर्म ही रहेगी चाहे दो दिन हो फ्रीजर हो वो गर्म ही रहेगी वो क्या है खाने वाली चीज़ है वो गर्म ही रहेगी Any hint? अच्छा वो रोज हमारी जिंदगी में खानों में इस्तेमाल होती है गरम मसाला क्या सुनाएंगे अच्छा थैंक्स फॉर द हिंट यू वेलकम क्या सुनाएंगे वो सुना देता हूँ दिल दिल पाकिस्तान दीजिएगा
दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ऐसी जमी और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान वेरी नाइस लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए बहुत शुक्रिया अस्सलाम जी दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान वी लव आवर कंट्री और हम सबको अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए जी नाज़रीन टाइम हो गया है एक ब्रेक का सो लेट्स हैव अ ब्रेक